रमेश चंद यादव, शिक्षक समाजशास्त्र, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के दूरस्थ शिक्षार्थी छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कि कल के व्याख्यान में हम लोगों ने समाजशास्त्र के अर्थ, विशेषताएं एवं विषय क्षेत्र पर विस्तृत विश्लेषण एवं चर्चा की थी। आज हम लोग समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय की चर्चा कर चुके हैं, समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल की चर्चा एवं समाजशास्त्र की विशेषताएं आदि पर विस्तृत रूप से विश्लेषण एवं चर्चा करेंगे। छात्रों एवं छात्राओं, जैसा कि आपने देखा था कि कल हम लोगों ने समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषाएं एवं विषय क्षेत्र पर विस्तृत विश्लेषण एवं अध्ययन किया था। आज हम लोग समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल की चर्चा करेंगे। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस तथा गिंसबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो तर्क दिए हैं। पहला, समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, यानी इसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला परिवर्तन दूसरे अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए। दूसरा, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के एक पक्ष राजनीतिक जीवन का ही अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक जीवन नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का, संपूर्ण समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करना है। ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकेगा। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में हाबहाउस के अनुसार हाबहाउस इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। आपके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्र यह कार्य निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है।
नंबर एक, सभी सामाजिक विज्ञान की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों यानी तत्वों की जानकारी प्राप्त करके। नंबर दो, समाज को अस्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके। नंबर तीन, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगा के। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। सेकंड है दुर्खीम के विचार, व्यूज ऑफ दुर्खीम। प्रसिद्ध फ्रेंच समाजशास्त्री दुर्खीम ने भी समन्वयात्मक विचारधारा का समर्थन किया है। आपने बताया कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्रों के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना हो। ये ही सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक ढंग से समझा जा सकता है। दुर्खीम ने लिखा है, हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का, इतिहास, प्रथाएं, धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। यद्यपि दुर्खीम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं, फिर भी आपने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना है ताकि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। इसके बाद इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। अतः आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों सोशल फैक्ट्स के अध्ययन पर जोर दिया है जिसने सामाजिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है, यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खीम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के एक कुलक सेट से है जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहार के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खीम के अनुसार विचार, भावनाएं एवं धारणाएं ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी को आपने सामूहिक प्रतिनिधान नाम दिया है। ये सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक ढंग से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की दो विशेषताएं बताई हैं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की हैं दुर्खीम महोदय ने, जिनमें पहला है ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। दूसरा, ये सारे समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। अब हम सोरोकिन के विचार देखेंगे, व्यूज ऑफ सोरोकिन। सोरोकिन महोदय ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। आपने लिखा है कि मान लीजिए
यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन करने और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंध का या संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा समाज जीवन के एक पक्ष या एक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन ही किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित करना, समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। सोरोकिन ने इस बात को निम्न रूप में समझाने का प्रयास किया है। आर्थिक संबंध ABCDEF, राजनीतिक संबंध ABCGHI, धार्मिक संबंध ABCJKL, वैज्ञानिक संबंध ABCMNO, मनोरंजनात्मक संबंध ABCPQR। स्पष्ट है कि हम चाहे किसी भी प्रकार के संबंध आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थापित करें अथवा कोई भी क्रिया करें, उनमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं। इनमें ए, बी, सी कुछ ऐसे ही सामान्य तत्व हैं। इन्हीं सामान्य तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक हैं, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त LF वार्ड, मोतवानी, गिन्सबर्ग आदि ने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समन्वयात्मक स्कूल की कुछ आलोचनाएं भी हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ सिंथेटिक स्कूल, इस संप्रदाय के विरुद्ध कुछ प्रमुख आरोप इस प्रकार हैं। नंबर एक, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तत्वों एवं प्रगटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र या एक हरफन मौला, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स विज्ञान बन जाएगा। नंबर दो, यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा, ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। नंबर तीन, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तत्वों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में यह किसी तथ्य या प्रगटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। और नंबर चार, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा, तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने अब तक देखा समाजशास्त्र के अर्थ,
समाजशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जिसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय और स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना एवं समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना। अब हम लोग विस्तृत रूप से समाजशास्त्र की कुछ विशेषताओं का विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। बीरस्टीड ने समाजशास्त्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है जो इसे अन्य विद्वानों से भिन्न बनाती है। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। समाजशास्त्र की विषय वस्तु अन्य विज्ञानों से भिन्न है किंतु अध्ययन विधि नहीं। इस आधार पर हम समाजशास्त्र को उन विज्ञानों से भिन्न कर सकते हैं जो भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र ज्योतिष विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र एवं जीव शास्त्र से भिन्न है। नंबर दो, समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, न कि क्या होना चाहिए का। विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र मूल्यों की चर्चा नहीं करता। वो ये नहीं बताता कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। यह सामाजिक नीति निर्धारण के लिए भी कोई सुझाव नहीं देता। इसका यह अर्थ नहीं कि सामाजिक एवं राजनीतिक निर्णयों की दृष्टि से समाजशास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ है, वरन इसका तात्पर्य यह है कि अकेला समाजशास्त्र ही अच्छाई और बुराई, सही एवं गलत, श्रेष्ठतम एवं न्यूनतम आदि मानवीय मूल्यों की समस्या का अध्ययन नहीं करता। नंबर तीन, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है ना कि व्यवहारिक विज्ञान। सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। समाजशास्त्र का उद्देश्य मानव जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है ना कि उस ज्ञान का उपयोग करना। जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र पुल का निर्माण नहीं करता, रसायन शास्त्र बीमार को दवाइयां नहीं लिखता, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी लोक नीति तय नहीं करता। विधायकों से यह नहीं कहता कि कौन से कानूनों का निर्माण करना चाहिए और कौन से का नहीं। बीमार, अपंग, अपाहिज, बाल अपराधी व गरीब को किसी प्रकार की सहायता देनी चाहिए अथवा नहीं। विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र केवल ज्ञान का ही संचय करता है जो प्रशासक, विधायक, कूटनीतिज्ञ, अध्यापक, फोरमैन, सुपरवाइजर, सामाजिक कार्यकर्ता और साधारण नागरिक के लिए लाभदायक हो सकता है। किंतु समाजशास्त्रियों का यह कार्य नहीं है कि वो ये बताएं कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कैसे किया जाए। नंबर चार, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है न कि मूर्त विज्ञान। सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट ए कॉन्क्रीट वन। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है नहीं है कि यह अनावश्यक रूप से जटिल एवं कठिन है। इसका अर्थ तो केवल यह है कि समाजशास्त्र मानवीय घटनाओं के स्वरूपों एवं प्रतिमानों में रुचि रखता है, न कि उसके मूर्त प्रदर्शन में। समाजशास्त्र इतिहास की तरह किसी विशिष्ट युद्ध एवं क्रांति का अध्ययन नहीं करता, वरन युद्ध एवं क्रांति का सामाजिक प्रघटना के रूप में सामान्य अध्ययन करता है। यह इसका अध्ययन एक प्रक्रिया एवं सामाजिक संघर्ष के रूप में करता है। नंबर पाँच, यह सामान्यीकरण करने वाला
विज्ञान है, इट इज अ जनरलाइजिंग साइंस, यह किसी विशिष्ट कानून, समाज, व्यक्ति व घटना का अध्ययन न कर सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है। यह मानवीय अंतःक्रियाओं, समितियों, समूहों एवं समाज की प्रकृति, संरचना, स्वरूप एवं अंतर्वस्तु के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों में रुचि रखता है। इतिहास की तरह यह किसी विशिष्ट समाज या घटना के विस्तृत एवं पूर्ण वर्णन में रुचि नहीं रखता। यह इस बात का अध्ययन नहीं करता है कि हिटलर, मुसोलिनी या नेपोलियन ने क्यों, कहां और कब युद्ध किया। वरन इसकी रुचि इस बात में है कि जब किसी समूह पर बाह्य आक्रमण होता है तो उसकी आंतरिक दृढ़ता कैसे कायम होती है। नंबर 6, समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों ही विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज बोथ रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान का अर्जन किया जाता है। मानवीय अनुभव एवं तर्क दोनों का ही इस विज्ञान में उपयोग होता है। नंबर 7, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है ना कि विशिष्ट। सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस नॉट अ स्पेशल साइंस। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है ना कि विशिष्ट। यद्यपि यह बात समाजशास्त्रियों में आज भी विवादास्पद है कि सामान्य विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सभी समाजों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। मानव के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, वैधानिक आदि सभी व्यवहारों में सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रियाएं विद्यमान होती हैं। अतः समाजशास्त्र उनका अध्ययन करता है। ये थे समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं जिन पे हम लोगों ने चर्चा की। 7 प्रमुख विशेषताओं पर रॉबर्ट बेयरस्टीड द्वारा बताई गई थी। अब हम लोग समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर चर्चा एवं विश्लेषण करेंगे। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र, स्कोप और विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर में कोई अंतर नहीं किया है, दोनों को एक ही मान लिया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इन दोनों में काफ़ी अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है। विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषयों से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किसी विषय का क्षेत्र अनुमानित परिधि को और विषय वस्तु अध्ययन करने के वास्तविक विषयों को व्यक्त करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में यद्यपि विद्वानों में मत भिन्नता है, परंतु अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन को इनके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यहाँ समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समझने की दृष्टि से कुछ प्रमुख विद्वानों के विचारों का उल्लेख किया जा रहा है। सोरोकिन के विचार, व्यूज ऑफ सोरोकिन। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। नंबर 1, विभिन्न सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं आचार संबंधी घटनाओं के परस्पर संबंधों का। नंबर 2,
सामाजिक और असामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के बीच में पारस्परिक संबंधों तथा सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में भौगोलिक एवं प्राणिशास्त्रीय दशाओं के सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिए। नंबर 3, समाज की सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हुए इसकी विषय वस्तु के संबंध में सोरोकिन ने बताया है कि समाजशास्त्र सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं, उनके पारस्परिक संबंधों एवं सहसंबंधों का विज्ञान रहा है और या तो वैसा ही रहेगा या फिर समाजशास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इंकल्स के विचार। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्माण के 3 पथ बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: ऐतिहासिक पथ नंबर 1, नंबर 2 आनुभविक पथ, नंबर 3 विश्लेषणात्मक पथ। इन 3 में से प्रत्येक पथ समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जानने में कुछ न कुछ योगदान देता है। इस प्रकार इंकल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु ज्ञात करने के लिए आगमनात्मक पद्धति इंडक्टिव मेथड का सहारा लेते हैं। हम यहाँ उपयुक्त तीनों ही पथ या दृष्टिकोणों का विस्तृत रूप से उल्लेख करेंगे। नंबर 1, ऐतिहासिक पथ हिस्टोरिकल पथ। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र की विषय वस्तु को ज्ञात करने के लिए हम उन समाजशास्त्रियों के लेखों का अध्ययन करेंगे जिन्हें समाजशास्त्र के प्रवर्तक माना जाता है। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इन प्रवर्तकों ने अपनी रचनाओं में किन विषयों को केंद्र बिंदु माना है। सोरोकिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में लगभग 1000 उन लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है जिन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में योग दिया है। हार्वर्ड बेकर, हैरी एल्मर बार्नेश ने अपने कृति सोशल थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस की 2 ग्रंथों में लगभग 1178 पृष्ठों में समाजशास्त्रीय इतिहास का उल्लेख किया है। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में 4 समाजशास्त्रियों अगस्त कॉन्थ, हर्बर्ट स्पेंशर, इमाइल दुर्खीम तथा मैक्स वेबर के नाम उल्लेखनीय है। इनका समय 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक है। समाजशास्त्र का प्रारंभिक विकास फ्रांस, इंग्लैंड एवं जर्मनी में हुआ है जहां इन विद्वानों ने कार्य किया है। इनमें से प्रत्येक विद्वान का समाजशास्त्र पर व्यक्तिगत बौद्धिक प्रभाव है। अगस्त कोंट महोदय को अगर देखें, जिनका जन्म 1798 ईस्वी मृत्यु 1857 में हुई, समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने अपना अधिकांश समय समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में लगाया, न कि उसकी विषय वस्तु को परिभाषित करने में। आपका विश्वास था कि वर्तमान में समाजशास्त्र का उपविभाजन संभव नहीं है, दूर भविष्य में चाहे यह वांछित एवं संभव हो। अतः अगस्त कोंत से हमें समाजशास्त्र से संबंधित विषयों की कोई सूची या उपच्छेद प्राप्त नहीं होते। यद्यपि अगस्त कोंत समाजशास्त्र का उपच्छेद निर्धारण करने के प्रति उदासीन थे, फिर भी उन्होंने समाजशास्त्र को प्रमुखतः 2 भागों में विभाजित किया है। अगस्त कोंत महोदय ने सामाजिक स्थिति की सोशल स्टैटिक्स, सामाजिक गति की सोशल डायनेमिक्स। इसी आधार पर हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं और यह वर्गीकरण किसी न किसी रूप में अन्य विद्वानों में भी देखने को मिलता है। सोशल स्टैटिक्स के अंतर्गत कोंत महोदय समाज की संस्थाओं जैसे आर्थिक संस्था, परिवार एवं राज्य आदि के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं।
इसी दृष्टि से समाजशास्त्र में विभिन्न संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। स्वयं कुंत लिखते हैं कि समाजशास्त्र में स्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। कुंत का मत था कि समाज के अंगों को पृथक से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें एक दूसरे के संबंध में ही देखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत को वे सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सोशल इंटरकनेक्शन कहते हैं, और यह उनकी पद्धति का प्रमुख विचार कहा जाता है। जहाँ तक बात है सामाजिक गतिकी की, सोशल डायनेमिक्स की, यदि अस्तित्वी में समाज के विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो गतिकी में समाज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है, और यह ज्ञात किया जाता है कि समय के साथ उसका विकास एवं परिवर्तन कैसे हुआ। कुंत का विश्वास था कि उसने यह समस्या हल कर दी है। उनका मत था कि समाज का विकास कुछ निश्चित स्तरों से हुआ है। विभिन्न स्तरों से गुजरते समय समाज पूर्णता एवं प्रगति की ओर अग्रसर होता है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 3 जिल्दों में 1877 में प्रकाशित हुई, इसमें उन्होंने समाजशास्त्र का व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण किया है। उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र का निर्धारण कुंत की अपेक्षा व्यवस्थित ढंग से किया है। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण तथा उद्योग या कार्य आदि विषय आते हैं। इनके अतिरिक्त स्पेंसर ने समितियों, समुदायों, श्रम विभाजन, सामाजिक विभेदीकरण एवं स्तरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र तथा कला और सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन को भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित किया है। वे समाज के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन पर भी जोर देते हैं, जिससे यह ज्ञात हो सके कि इकाइयाँ किस प्रकार से संपूर्ण को प्रभावित एवं परिवर्तित करती हैं और संपूर्ण की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। स्पेंसर महोदय ने समाज के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन पर भी जोर देते हैं, जिससे यह ज्ञात हो सके कि इकाइयाँ किस प्रकार से संपूर्ण को प्रभावित एवं परिवर्तित करती हैं और संपूर्ण की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। इनके पारस्परिक प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए स्पेंसर ने यौन संबंधी मानदंडों एवं परिवार और राजनीतिक संस्थाओं एवं धर्म के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख किया है। उसने पुरोहित व्यवस्था और अन्य संस्तरण व्यवस्थाओं के अध्ययन का भी सुझाव दिया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि इनकी संरचना में होने वाला परिवर्तन अन्य संरचनाओं में परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। स्पेंसर ने संपूर्ण समाज को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की एक इकाई मानने का भी सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार एवं स्तर के समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करने का भी सुझाव दिया है। आपका मत है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाजों की संरचना एवं प्रकारियों के तथ्यों का अध्ययन करना होगा। इस प्रकार कुंत ने समाजशास्त्र का जिस प्रकार से विभाजन किया, उसकी झलक हम स्पेंसर के विचारों में देख सकते हैं। दुर्खी महोदय ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, किंतु उनकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड तथा अन्य रचनाओं के आधार पर हम इस संदर्भ में उनके विचारों को ज्ञात कर सकते हैं। दुर्खीम ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। दुर्खीम ने एनी सोशियोलॉजिक क्यू नामक प्रथम
समाजशास्त्री पत्रिका को 7 खंडों एवं कई उपखंडों में विभाजित किया है, जो कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में उसके विचारों को व्यक्त करते हैं। उनके प्रमुख खंड इस प्रकार से हैं। नंबर 1 सामान्य समाजशास्त्र, नंबर 2 धर्म का समाजशास्त्र, नंबर 3 कानून एवं नैतिकता का समाजशास्त्र, जिसमें राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन तथा परिवार और विवाह आदि उपखंड आते हैं। नंबर 4 अपराध का समाजशास्त्र, नंबर 5 आर्थिक समाजशास्त्र, जिसमें मूल्यों का माप, व्यवहारिक समूह आदि उपखंड आते हैं। नंबर 6 जननांकिकी, इसके उपखंड में नगरीय एवं ग्रामीण समुदाय आते हैं। नंबर 7 सौंदर्य का समाजशास्त्र। दुर्खीम ने 1896 में समाजशास्त्र की विषय वस्तु की यह रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका उपयोग समकालीन समाजशास्त्र के पुनरावलोकन के लिए भी किया जा सकता है। दुर्खीम ने भी कांट एवं स्पेंसर की भांति संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों एवं उनके अपने पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट्स का अध्ययन करना चाहिए तथा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानून एवं नैतिकता आदि के सामाजिक तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अभाव में उन्हें अस्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता। दुर्खीम ने भी स्पेंसर की तरह समाजों को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की इकाई मानने की बात कही है और विभिन्न समाजों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। अब हम मैक्स वेबर के विचार को समझेंगे। छात्रों, मैक्स वेबर ने अपना अधिकांश समय एक विशेष अध्ययन पद्धति वर्स्टहेन की विवेचना करने में लगाया। वर्स्टहेन सामाजिक अध्ययन की एक पद्धति है। इस पद्धति से अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। वेबर सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानता है। वेबर ने धर्म, आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों, मुद्रा, श्रम विभाजन, राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन, वर्ग, जाति, शहर एवं संगीत आदि विषयों पर विस्तृत कार्य किया। उसने धर्म के आर्थिक प्रभावों का भी अध्ययन किया है। यद्यपि इन सभी समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की अलग अलग व्याख्या की है, फिर भी इनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1, सभी समाजशास्त्री सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र में सम्मिलित करते हैं। ये संस्थाएं परिवार से लेकर राज्य तक की संस्थाएं हैं। नंबर 2, सभी समाजशास्त्री विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन पर जोर देते हैं। नंबर 3, सभी समाजशास्त्री ये स्वीकार करते हैं कि संपूर्ण समाज को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की इकाई माना जाना चाहिए। समाजशास्त्री यह भी देखे कि सभी समाजों में कुछ समानताएं एवं भिन्नताएं क्यों हैं। नंबर 4, सभी समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया या सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यह विचार मुख्य रूप से मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया। अब हम सामाजिक संबंधों की अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों को परिभाषित करते हुए मैक्स वेबर लिखते हैं कि सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेककर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल हों तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। वेबर की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों का निर्माण करने के लिए नंबर 1 अनेककर्ता होने चाहिए, नंबर 2 इन कर्ताओं में परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, और नंबर 3 ये एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हों तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करें। इस प्रकार एक व्यक्ति जब क्रिया करता है तो वह दूसरे व्यक्ति के प्रत्युत्तर की भी अपेक्षा
करता है, इससे क्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है जो सामाजिक संबंधों के निर्माण में योग देती है। थियोडोरसन एवं थियोडोरसन लिखते हैं कि सामाजिक संबंध में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली प्रतिमानित पैटर्न्ड सामाजिक अंतःक्रिया है। इस परिभाषा से भी स्पष्ट है कि सामाजिक संबंध बनाने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, ए बी ये व्यक्ति परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया करें, सी अंतःक्रिया का कोई न कोई प्रतिमानित रूप विकसित होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, सामाजिक संबंध का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में संबंध ही नहीं है, वरन इन व्यक्तियों का समूह के साथ संबंध भी है। मैकाइवरियम पेज के अनुसार सामाजिक संबंध में व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा वे साथ आते हैं जिनसे वे संबंधित होते हैं। अतः सामाजिक संबंध की पूर्ण परिभाषा में इन दोनों की व्याख्या आवश्यक है। उपर्युक्त परिभाषाओं में सामाजिक संबंधों के बारे में तीन बातों पर जोर दिया गया है। नंबर एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। नंबर दो, उनमें सामाजिक अंतःक्रिया का होना। नंबर तीन, सामाजिक अंतःक्रिया का प्रतिमानित रूप एवं अर्थपूर्ण प्रभाव होना। छात्रों, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो वे सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। प्रतिमानित सामाजिक अंतःक्रियाएँ ही सामाजिक संबंधों का निर्माण करती हैं। सामाजिक संबंधों की विशेषताएं, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक संबंधों की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। नंबर एक, अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट, सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, उनका कोई भौतिक आकार नहीं होता है जैसा कि टेबल, कुर्सी, पंखा, घड़ी, पेन आदि का होता है। चूंकि संबंध मानसिक तथ्य हैं, अतः उन्हें महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जाता है। वस्तुओं की भांति उन्हें नापा तौला नहीं जा सकता है। नंबर दो, जटिल प्रकृति कॉम्प्लेक्स नेचर, सामाजिक संबंधों की प्रकृति बड़ी जटिल होती है। यही कारण है कि कई बार इनके बारे में भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन हो जाता है। सामाजिक संबंधों की संख्या भी असंख्य है। इन असंख्य संबंधों की ताने बाने से ही समाज का निर्माण होता है। नंबर तीन, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल होना, सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये व्यक्ति एवं समूह के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। नंबर चार, अनिश्चित स्वरूप इनडेफिनिट फॉर्म्स, सामाजिक संबंधों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों, कार्यों, पद एवं भूमिकाओं के अनुसार सामाजिक संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मित्रतापूर्ण, विरोधात्मक आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। नंबर पाँच, अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, सामाजिक संबंधों की प्रकृति परमानेंट या टेम्प्रोरी हो सकती है। जैसे परिवार के सदस्य, सामाजिक संबंध अस्थायी भी हो सकते हैं जैसे परिवार के सदस्यों के होते हैं, और अस्थायी भी हो सकते हैं जैसे डॉक्टर व मरीज या दुकानदार या ग्राहक के होते हैं। अस्थायी संबंध थोड़े समय के लिए होते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं। नंबर छः, सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति, एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव नेचर, सामाजिक संबंध दो व्यक्तियों या समूहों के बीच सहयोग के आधार पर भी निर्मित हो सकते हैं, और इनमें विरोध एवं संघर्ष के कारण भी सामाजिक संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। अब सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या हो सकती हैं? छात्रों, हमें यहाँ यह ध्यान देना होगा कि सामाजिक संबंधों के निर्माण की कुछ आवश्यक दशाएं भी होती हैं जिन्हें जान लेना उचित होगा। सामाजिक संबंधों का निर्माण कुछ परिस्थितियों में ही संभव है। ये आवश्यक है
तत्व या दशाएं जो सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे जीवित व्यक्ति, संपर्क, संचार, पारस्परिक जागरूकता तथा सामाजिक अंतःक्रिया। इसको हम क्रम से एक एक करके देखते हैं, जिसमें पहला है जीवित व्यक्ति, लिविंग पर्संस। सामाजिक संबंध केवल जीवित व्यक्तियों के साथ ही स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें ही जागरूकता एवं चेतना होती है और वे ही अर्थपूर्ण संबंध कायम कर सकते हैं। चेतना केवल मानव में ही नहीं वरन अन्य प्राणियों में भी होती है, अतः वे भी अर्थपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरी विशेषता, संपर्क एवं संचार, कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनके बीच संपर्क एवं संचार की व्यवस्था होना भी आवश्यक है। संपर्क को परिभाषित करते हुए गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं कि समाजशास्त्र में संपर्क से हमारा तात्पर्य कि व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को उत्प्रेरित करने की और एक दूसरे से उत्प्रेरणाओं का अर्थपूर्ण रूप से प्रत्युत्तर देने की स्थिति में है। यह संपर्क भौतिकी एवं मानसिक तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है, किंतु मानसिक संपर्क ही सामाजिक संबंधों को जन्म देता है। मानसिक संपर्क प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होने पर इशारे, हाव भाव या बोलचाल के द्वारा भी हो सकता है, और परोक्ष रूप से पत्र, टेलीफोन या संदेश वाहक के द्वारा भी। तीसरी है पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। सामाजिक संबंध उसी समय बन सकते हैं जब व्यक्तियों के बीच मानसिक अनुभूति या पारस्परिक जागरूकता हो, जब वे परस्पर एक दूसरे के व्यवहार का कोई अर्थ लगाते हों। जागरूकता एक विशिष्ट प्रकार की मानसिक स्थिति होती है, जिसके अभाव में सामाजिक संबंध कायम नहीं हो सकते हैं। सामाजिक प्राणी एक दूसरे से इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जो उनके पारस्परिक ज्ञान से निर्धारित होते हैं, तो इस प्रकार से निर्धारित सभी संबंधों को सामाजिक संबंध कहा जाता है। जागरूक अवस्था में दूसरे व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने पर ही सामाजिक संबंध बनते हैं। चौथी विशेषता, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन की। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए व्यक्तियों या समूहों के बीच अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। व्यक्ति या समूह जब परस्पर संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। इसी दशा को अंतःक्रिया कहा जाता है। जब ये सामाजिक अंतःक्रियाएँ बार बार होती हैं तो वे स्थिर एवं प्रतिमानित सामाजिक संबंधों को जन्म देती हैं। सामाजिक संबंधों का ही नहीं वरन अन्य सामाजिक घटनाओं एवं समूहों का आधार भी सामाजिक अंतःक्रियाएँ ही हैं। समाज जितना जटिल होता है उतने ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। मतदाता का प्रत्याशी से, माता का संतान से, कर्मचारी का नियोक्ता से, मित्र का मित्र से, ये सभी संबंध विभिन्न प्रकार के संबंधों में से ही कुछ संबंध हैं। सामाजिक शब्द बहुत व्यापक है और मनुष्यों के बीच बने विभिन्न प्रकार के संबंधों को हम इस श्रेणी में रखते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, वैयक्तिक, अवैयक्तिक, मित्रतापूर्ण और विरोधपूर्ण सभी संबंध सामाजिक ही हैं, क्योंकि इन सभी का आधार पारस्परिकता है। अब हम देखेंगे कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय सामग्री की कुछ सीमाएं भी होती हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु की कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, ना कि पशु समाज की विशेषताओं का। नंबर दो, समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, ना कि सभी प्रकार के व्यवहारों का। नंबर तीन, समाजशास्त्र समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, ना कि किसी विशेष समाज की विशिष्ट विशेषताओं या दशाओं का। समाजशास्त्र का अपना एक पृथक दृष्टिकोण एवं अध्ययन क्षेत्र है, यद्यपि इसके द्वारा किसी भी घटना को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर पाँच, समाजशास्त्र में
यथार्थ तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यह वास्तविकता पर जोर देता है, क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए का। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र का कल्पना, दर्शन या आदर्श से कोई संबंध नहीं है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की खिचड़ी मात्र नहीं है, यह एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान है जिसका अपना एक अध्ययन क्षेत्र है और विषय सामग्री है। थैंक यू वेरी मच। छात्रों, इस प्रकार हमने देखा कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र के क्या अर्थ हैं, समाजशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है और सामाजिक संबंध क्या होते हैं, सामाजिक संबंध की विशेषताएं क्या हैं आदि पर हम लोगों ने विस्तृत विश्लेषण चर्चा की। निश्चित रूप से आप लोगों को के ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। थैंक यू सो मच।